देश में बढ़ते पेपर लीक के मामलों को देखते हुए और उन पर रोकथाम के उद्देश्य से 21 जून 2024 से हमारे देश में एंटी पेपर लीक कानून पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इस कानून का पूरा नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। इस वीडियो में हम इस एक्ट से जुड़े कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। तो इस एक्ट का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, जिसे हम शॉर्ट में कह रहे हैं एंटी पेपर लीक लॉ। इस एक्ट का सेक्शन 2 के पब्लिक एग्जामिनेशन को डिफाइन करता है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि फिलहाल के लिए अगर ये 5 अथॉरिटीज कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं तो वो पब्लिक एग्जामिनेशन माना जाएगा, जिसमें है यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए। और सेक्शन 2 के में ये भी प्रावधान किया गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो इसके स्कोप को बढ़ा सकती है, फर्दर अथॉरिटीज को इसमें ऐड कर सकती है। इसी एक्ट का सेक्शन 9 पेपर लीक से जुड़े इंसिडेंट्स को, ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस मानता है, संज्ञेय अपराध मानता है, गैर जमानती अपराध मानता है और इसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस माना गया है। राइट, यानी इसमें किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं हो सकता है। राइट, इस कानून को लोकसभा में पास किया गया था 5 फरवरी 2024 में, राज्यसभा से ये पास हो जाता है 9 फरवरी को। राइट, और फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद 21 जून 2024 से इसके प्रोविजंस लागू हो गए हैं। इस एक्ट का सेक्शन 3 अनफेयर मींस को डिफाइन करता है, जिसमें कुल 15 एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया गया है। अगर कोई पर्सन इन 15 एक्टिविटीज में से किसी एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज में लिप्त पाया जाता है तो उसे पेपर लीक माना जाएगा और उसे पनिशमेंट ग्रांट किया जाएगा। जैसे सबसे पहला है क्वेश्चन पेपर को लीक करना या उसके आंसर की को लीक करना, क्वेश्चन पेपर के पोजीशन को अपने पोजीशन में लेना या किसी दूसरे पर्सन को क्वेश्चन पेपर एक्सेस कराना, ओएमआर सीट से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करना या टेम्परिंग विथ आंसर सीट, किसी एक या एक से अधिक क्वेश्चंस का सलूशन दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करना। तो कुल 15 एक्टिविटीज हैं जो पेपर लीक के दायरे में आएंगी। राइट, अच्छा अब हम पनिशमेंट के बारे में बात करें तो कोई पर्सन अगर ऐसा करता है सेक्शन 3 में मेंशन अनफेयर मींस में से किसी एक या एक से अधिक एक्टिविटीज में लिप्त पाया जाता है तो उसे 3 साल से लेकर के 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और उस पर 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। वहीं कोई सर्विस प्रोवाइडर ऐसा करता है, जैसे जो अथॉरिटीज एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही हैं तो वो बेसिकली क्या कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो अगर ऐसा करती हैं उन पे 1 करोड़ तक का पेनाल्टी इम्पोज किया जाएगा। साथ ही अगर कई लोग हैं जो ग्रुप में ऐसा काम करते हैं जिन्हें हम प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग कह रहे हैं तो इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना गया है और उन लोगों को मिनिमम 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, जो बढ़कर के 10 साल हो सकता है, और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद पेपर लीक से जुड़े इंसिडेंट्स अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या ये सिलसिला आगे चलता रहेगा? ऐसा नहीं है कि इसके पहले हमारे पास लॉज नहीं थे, डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने एंटी पेपर लीक कानून थे और अभी भी हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक से जुड़े जो इंसिडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो, किस तरह से गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेने चाहिए जिससे इन पेपर लीक्स के मामलों को खत्म किया जा सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ऐसे ही लॉ लेक्चर्स पर डिटेल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।